गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। तो तुमने लॉक किया था ये दरवाजा, इतना डर गए हो मुझसे कि दरवाजे लॉक करने की नौबत आ गई। मैं तुमसे डरता हूं है ना? समझ नहीं रही, साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें डर है कि तुम्हारा पोल खुल जाएगा, सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ तुम चुप मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो, लेकिन मैं तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगा। ऐसी कोई हरकत मत करना क्योंकि अब तुम और वली मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो वक्त ही बताएगा। बात ही अजीब सी बात लग रही है वैसे, आज तुम जैसी बदसात लड़की दानियाल अकबर हुसैन को धमकी दे रही। बदसात तुम हो दानियाल, नाम ने आदि से तुम्हारी बीवी तो तुमने तो इस रिश्ते के तकद्दस को भी पामाल कर दिया। और अब मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितने घटिया हो। अच्छा, तुम सबको बताओगी? हाँ बताओ, आओ 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 ना आओ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें खुद दरवाजे पर लेकर आऊं। जाओ जाओ जाकर सबको बताओ, सब बाहर ही बैठे हुए। बल्कि एक काम करो ना, बाबा जान स्टडी में, उनके पास जाओ और सारी कहानी जाके सुना दो। लेकिन भैया एक बात की टेंशन हो रही है मुझे, तुम अपनी कहानी सुनाने के बाद उन्हें कोई सबूत दोगी क्या? तो है नहीं तुम्हारे पास। मेरी बेबसी मेरा सबूत है और ये तुम्हारे गले का फंदा बनेगी एक दिन। मैं तो डर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारी इस बात से। प्लीज भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज जाओ ना। लेकिन सुनो सुनो प्लीज, देखो सारी कहानी सुना देना लेकिन थोड़ा सा मार्जिन मेरे लिए छोड़ देना ताकि मैं यहाँ पर रह तो सकूं। जाओ सुनाओ, जाओ जाओ जाओ। साथ नहीं दे सकते थे तो वादा क्यों किया था? यूं बीच चौराहे पर मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ आपको बताने का? क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आ गया, कसूरवार तो मैं ही हूं। हाँ सर, कुछ पता चला? जी सर, 17 अप्रैल की रात और अगले 2 दिन राजू कहीं नहीं गया। मोहल्ले में उसकी भतीजी की शादी थी और फैक्ट्री से आने के बाद वो सारा वक्त अपने भाई के साथ शादी के इंतजाम संभाल रहा था। फैक्ट्री टाइम में कहीं गया वो? नहीं सर, मैंने पूरे महीने का रिकॉर्ड चेक किया, वो कहीं नहीं गया, बल्कि उसकी कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी का भी पता नहीं चल सका। अच्छा ठीक है, तुम फिर भी उस पे नजर रखो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। जी सर। इसका मतलब है
वली और वो लड़की झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? राजू को सहाकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? बाबा जान, आपको हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती है ना कि मैं वली के खिलाफ बोलता हूं। आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं बिला वजह उसकी जान का दुश्मन बना हूं। आइए मेरे साथ, आइए अपनी आंखों से देख लीजिए आज वली फिर से मेरी इज्जत का जनाजा कैसे निकाल रहा है। क्या? चलो। मैंने खुद देखा है तान्याल को उस आदमी से बात करते हुए जिसने मुझे किडनैप किया था, और वो अंकल के सामने उसे लालच दे रहा था अपनी जबान पर रखने के लिए। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है? लेकिन ये बात साबित नहीं कर पाए हम बिया, इसलिए तो मैं आई थी वहां उन दोनों से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहां से भेज दिया। आप माने या ना माने, अंकल को जरूर पता है कि इस सब में दानियाल का हाथ है, या शायद उन्हें शक है, इसलिए वो ये बात खत्म करना चाह रहे थे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है बिया कि क्यों सच्चा दानियाल का साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं देंगे वो उसका साथ? उनका बेटा है और मैं उनकी कुछ नहीं लगती, मेरी हैसियत क्या है इस घर? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कम से कम मेरे सामने तो ऐसी बात मत करो भैया। क्यों ना सोचूं? अब कैसे होगा सब ठीक? अब कुछ ठीक नहीं होगा। आप भी नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। खुदा का वास्ता है भैया, भैया देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे वादा किया है ना भैया, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी बात का यकीन करो, रो मत प्लीज। देख लिया ना आपने, अब तो अपनी आंखों से देख लिया आपने, ये क्या कर रहे थे दोनों यहां पर? आप ये डॉक्यूमेंट साइन कर दें, मैं आपकी बेटी के खुला के नोटिस उन्हें भिजवाने की तैयारी करता हूं। ये काम जल्दी हो जाएगा ना, मैं बस चाहती हूं मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस घर चली जाऊं। आप फिक्र नहीं करें, आप बहुत जल्दी अपनी बेटी से मुलाकात कर सकेंगे। यहाँ करना है? जी यहाँ पे भी कर दें। हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल रहे थे तुम, हद होती है बेशर्मी की, रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल किया होता तुमने। ऐसा कुछ नहीं है चाचा, गलतफहमी हो रही है आपको, मेरे और बिया के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। खुदा खुदा को बीच में मत लेके आओ वली, झूठ बोलकर खुदा के कहर को तुम खुद आवाज दे रहे हो। अब मैं समझा कि तुम दानियाल को बार बार क्यों कसूरवार ठहरा रहे थे, इसलिए कि तुम्हारी अपनी नीयत खराब थी, और या फिर तुम इस लड़की में। मैंने कहा ना आपसे ऐसा कुछ नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, आपको यकीन नहीं आता तो मुझे कोई कसम दे दीजिए। बाबा जान,
बाबाजान, उस दिन भी आपने इस घटिया आदमी की बात मानी थी, इस बदजात की बात मानी थी। शर्म करो, अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी बात करने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम्हें शर्म आ गई? किसी की बीवी पर गंदी नजर रखते हो और उसके बाद मुझे लेक्चर दे रहे हो? बाबाजान, देख रहे हो आप इसे? तुमने ही राजू को पैसे देकर बिया को अगवा करवाया था, बताओ। अच्छा, तो ये जो तुम दोनों यूं इतने करीब थे, उसका हाथ पकड़ के बैठे थे कि तुम्हें अपने किडनैपर की कहानी? इससे आगे अगर एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दानियाल। बस, तो मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। एक झूठ छुपाने के लिए तुम झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो। तुम हमारे खानदान पर गाली हो गाली। जो कहना है कह लीजिए आप, बचपन से लेके आज तक और किया भी क्या है आप लोगों ने। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा चाचा, बिया पर एक हर्फ भी नहीं आने देगा वली। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो बिया से पूछ लीजिए, पूछिए इससे कि सच क्या है। एक मिनट, बिया क्या बोलेगी? ये तो खुद कुछ बोलने के लायक रही नहीं है, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा? मैं मर भी रही होंगी तो यही बोलूंगी कि मेरे गुनहगार तुम। और अपना गुनाह छुपाने के लिए हम दोनों पर इल्जाम लगा रहे हो। आवाज बंद करो बेशर्म लड़की। बली, तुम्हारे पास 10 मिनट है, अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे मेरे दरमियान कभी कोई रिश्ता भी था। आप ये बात भी भूल गए हैं, ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। पर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो बिया से पूछ लीजिए ना, पूछिए इसने राजू को पैसे दे के बिया को अगवा करवाया था या नहीं, पूछिए। मेरा जब्त मत आजमाओ वली, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, और अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारी बदनामी के साथ साथ इस लड़की की बदनामी का भी नकारा बजेगा। अगर तुम हमारी इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी और इस लड़की की इज्जत पर चादर नहीं डालेंगे। इसके बाद दुनिया फैसला करेगी कि तुम दोनों के साथ क्या सलूक करेगा। नहीं चाचा, चाचा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिया पे कोई हर्फ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? वली चला जाए इस घर से, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन बिया की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, बिया की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। मैं चला जाता हूं। छोड़ो, मैं नहीं रहना चाहती तुम जैसे घटिया इंसान के साथ, कोई इल्जाम तो रहने दिया होता। बकवास बंद करो अपनी, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें कि आज तुम दोनों की आशिकी का खेल खुल गया। आगे आगे देखो होता क्या है। मुझे तुम्हारे अब किसी इल्जाम से कोई डर नहीं लगता, तुम तो इतने घटिया इंसान हो कि तुमने खुद मुझे किडनैप कराया और जब तुम्हारी असलियत खुलने लगी तो मुझ पर वली पर बहतान लगा दिया। शट अप। हां, कराया था किडनैप, मैंने ही कराया था तुम्हें किडनैप। अब क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुम कुछ नहीं कर सकती हो बिया, कुछ भी नहीं। उसी तरह जैसे मैं था जब तुम दोनों ने मुझे फंसाया था और मजबूर किया था कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम जैसी लड़की से शादी करूं, आज वली भी वहीं खड़ा है, धक्के मार मार के घर से बाहर निकाला जाएगा वो, कुछ नहीं कर सकती। अच्छी तरह जानती हो, अच्छी तरह समझती हो कि ये सब कुछ तुम वली को तकलीफ देने के लिए करते हो। हाँ, और क्या कुछ?
तुम्हें तकलीफ होती है तो दर्द उसे महसूस होता है ना। लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया, इसलिए अब मैं चैन और आराम की नींद सो सकूंगा सुकून से। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम बेगुनाह लोगों पर इतने घटिया इल्जाम लगाकर चैन की नींद सो कैसे सकते हो, और जिस सुकून के लिए तुम इतने पापड़ बेल रहे हो ना, तुम्हें जीते जी कभी नसीब नहीं होगा। ये मेरी बद्दुआ है तुम। तुम्हारी बद्दुआ लगेगी मुझे अब। तुम्हारी तुम्हारी बद्दुआ लगनी होती ना तो आज तुम दोनों इस हालत में नहीं होते भैया। इसलिए बेहतर यह है कि तुम अपने लिए दुआ मांगो। बड़ी आई मुझे बद्दुआ देने वाली। वली चला जाए इस घर से, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन बिया की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। भाभी ये इतने गुस्से में कहाँ गए? फिर तो नहीं कि इसने उल्टा सीधा कुछ कर लिया? आप फोन करके पूछिए ना उससे कहाँ जा रहा है वो। या अल्लाह कहाँ जा रहा है ये लड़का, बहुत परेशान किया इसने मुझे। हाय अल्लाह दिखाएं आप मुझे, आप फोन करें। ठीक नहीं हुआ माँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बचपन से लेके आज तक मुझ पे इल्जाम तराशी करते आया, मैंने कभी एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन भी आप बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, मासूम है वो। और एक दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि बिया और आप में से अगर मुझे किसी एक का इंतखाब करना हो तो मैं किसे चुनूंगा, उसका जवाब है मेरे पास। उसका जवाब यह है कि माँ को कैसे छोड़ सकता है वली, आपके बगैर नहीं रह सकता मैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, बिया का ख्याल रखने में अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। जो ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ है। क्या हुआ भाभी, कहाँ गया वो? इतने कुछ बता ही नहीं रहे, अजीब अजीब बातें कर रहे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें तकलीफ होती है तो दर्द उसे महसूस होता है ना। लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया, इसलिए अब मैं चैन और आराम की नींद सो सकूंगा सुकून से। मैंने तुमसे वादा किया है ना भैया, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी बात को यकीन करो, रो मत प्लीज।
भैया मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ। पेशेंट के साथ कौन है, क्या लगते हैं आप उनके? हम नहीं जानते ये कौन है, एक्सीडेंट हुआ था सड़क पे, जख्मी हालत में गिरी हुई थी, हम इन्हें उठा के अस्पताल ले आए। एक्चुअली पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और जितनी जल्दी हो सके उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें बेहतर है। ठीक है जी, क्या करें यार, हमें तो घर वालों को जानते भी नहीं है, घर का भी नहीं पता हमें तो। ये दिन देखना भी बाकी रह गया था अकबर, वली पता नहीं हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मेरा तो दिल किसी तरह से नहीं मानता अकबर हुसैन कि वली ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था भाभी बेगम, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपनी घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देखा है। अगर मेरे भतीजे की जगह कोई और लड़का होता तो खुदा की कसम मैं उसे उसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ देता। बहुत बहुत रोका है मैंने अपने आप को। आपके भतीजे ने कौन सी हया कर ली जो आप उसके खून की लाज रखने को हलकार हो रहे थे? अरे दो तीन थप्पड़ लगाते उसे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास होता। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था, लेकिन भाई की कब्र का लिहाज आ गया मुझे। भाभी बेगम अब आप वली को इस घर में लाने की बात ना कीजिएगा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे किसी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर यह हरकत हुई भी है तो इसमें से वली का तो कसूर नहीं ना, बिया भी उसमें इन्वॉल्व होगी। तो आप क्या समझ रही हैं कि मैं सिर्फ वली को सजा दूंगा? मेरी नजर में दोनों बराबर के कसूरवार हैं। ये दिन भी देखना था हमें, इसीलिए मैं छोटे घर की लड़की को बहू बनाने के हक में नहीं थी। उस लड़की ने और वली ने जो भी मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया आप लोगों ने यकीन कर लिया। अब आया आपको मेरी बात पे यकीन? वो लड़की तो शुरू से ये सब कुछ करती आई है। मेरे बेटे ने एक भी दिन सुकून से नहीं गुजारा, क्या गुजरेगी उसके ऊपर जब वो अपनी बीवी की बेवफाई देखेगा? तो मैं वली की तरफ से आप दोनों से माफी चाहती हूँ, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन खुदा के लिए अकबर हुसैन मेरे बच्चे को इस घर से दूर मत कीजिए, उसको इस खानदान से अलग मत कीजिए। किस किस बात की माफी मांगेगी भाभी बेगम? ना आप उस गो सीने से लगाती और ना हमें आज ये दिन देखना पड़ता। मेरा ख्याल है नरमीन बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी बेगम, आइंदा वली के लिए मत कुछ कहिएगा, मेरे में अब और बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। बस कर वली, जो होना था सो हो चुका, अब आ गया सोचो क्या करना है। ये ले चाय पी। नहीं तू पी, मुझे बिया की फिक्र हो रही है अनस, गलती हो गई मुझसे, उसकी जान को खतरा है, दानियाल नुकसान पहुंचा सकता है उसे। तुम कर भी क्या सकते हो अब वली, बाजी हो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। कुछ भी करके मुझे बिया को वहां से निकालना है। तू नहीं जानता उन लोगों को, वो सताने दे दे के मार देंगे यार। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे चचा बहुत गुस्से में, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। अपनी कोई परवाह नहीं है मुझे। बचपन से लेके आज तक वली ने उनके ताने और कोसे ही तो सुने हैं, बल्कि सहे हैं।
मैं फेस कर लूंगा यार उन्हें, मुझे तो आदत है। मिया बहुत मासूम है, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है मुझसे। उसे साथ लेके आना चाहिए था मुझे। वली वो उसकी बीवी है, बीवी है। उसके निकाह में तुम उसे अपने साथ नहीं ला सकते, और अगर वो इनकार कर देती तो? इनकार नहीं करती वो मुझे, अच्छी तरह से जानता है वली, वो कभी इनकार नहीं करती मुझे। उसकी हर मुश्किल में खड़ा होता हूं मैं, तो आज क्या होगा? मुझे लानत है मुझ पे जो छोड़ के आ गया उसे। वो अकेली है वहां, मैं जानता हूं वो खुद को अकेला महसूस कर रही होगी, मुझे पुकार रही होगी। अरे क्या हो गया है मुझसे, अकेला आ गया हूं मैं। क्या उसने कभी कोई तुमसे ऐसी बात की है? आई मीन कोई ऐसा इकरार कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती? उसने कभी मुझे अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा और बिया का जो ताल्लुक है ना, उसमें अल्फाज की जरूरत नहीं होती, समझा जाता है। और समझता हूं मैं, जानता हूं मैं कि वो मुझे कभी भी इनकार नहीं करती। दानियाल जैसा घटिया शख्स, उसके साथ बिया जैसी अच्छी लड़की नहीं रह सकती, जानता हूं मैं। वली तू आज तक अपनी करता आया यार, एक बार प्लीज मेरी मान ले, सिर्फ एक बार। कुछ अरसे यहां मेरे पास रुक जा, अगर उन्होंने इस दौरान बिया के साथ कुछ गलत किया तो देख लेंगे ना यार। पागल हो गया यार तू, नहीं मतलब दिमाग खराब है क्या तेरा? इंतजार करे वली कि पहले उसके साथ कुछ गलत हो जाए, फिर जाके बचाऊंगा उसे। ये करूं मैं? बोल ना, इतना खुदगर्ज नहीं हूं मैं। तो रिलैक्स हो जा, मैं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं तू सेल्फिश नहीं है यार। सॉरी यार, मैं परेशान हूं यार, नहीं जानता यार, वो खतरे में है यार, मुझे उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। I'm sorry यार, मैं परेशानी में बस। मैं समझ सकता, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पिया से खुद जाकर मिल सकूं एक दो दिन। तेरा शुक्रिया। चाय पीने है तो पियो, वरना कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं, खतरे में यार, मैंने क्या कर दिया? क्या बात है, क्यों इस तरह अकेले हंसे जा रहे हो? धानी वाली क्या वाली? वली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। नहीं क्या, क्या कुछ बताओगे? मैं इसी तरह बोलते रहोगे? आई मिस सच तो वहां पे होती। आज वली से सारे हिसाब चुकता करती है, वो भी सिर्फ एक बार में। कैसे तुम बता रहे हो कि नहीं, मैं उताप नहीं हुई जा रही यहाँ पे। अरे यार इतनी अच्छी बात तो किसी रोमांटिक डिनर नहीं हो सकती है, है ना? तो एक काम करो, जल्दी से तैयार हो के आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ आज क्या किया है। ओके, मैं तैयार हो के आई, और तुम अपना ध्यान रखो, ज्यादा मत हंसना। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था भाभी बेगम, लेकिन मैंने अपनी आंखों से अपनी घर की इज्जत को निराब होते हुए देखा है। अगर मेरे भतीजे की जगह कोई और लड़का होता तो खुदा की कसम मैं उसे उसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ देता। बहुत बहुत रोका है मैंने अपने आप को। भाभी बेगम,
अब आप वली को इस घर में लाने की बात ना कीजिएगा, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आने से क्या फायदा अकबर, उस वक्त आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया ना उस बजात की हरकत को, उसने हम सबको डसा है। अभी भी वक्त है, आप उसको उसकी औकात दिखा दें, इससे पहले कि वो पहले की तरह कुछ कर बैठे। भरोसे में आदमी सिर्फ एक बार डसा चाहता है, बार बार नहीं। तुम दानियाल का ख्याल रखो, वली का बंदोबस्त में खुद ही कर लूंगा। वली क्यों, बिया क्यों नहीं? मैं अब उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इस घर से निकालने का मतलब समझती हो? दुनिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे, थोड़ा सबर कर लो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरा बच्चा कहां मारा मारा फिर रहा होगा। अकबर, उससे और बर्दाश्त नहीं होता। Just relax. ठीक हो जाएगा सब। गजरे ले लो, आपकी बीवी के हाथ में अच्छे लगे। बीवी के हाथ? जी साहब। एक काम करो। जी सर। सारे गजरे दे दो, सारे दे दो, ये मुझे दो, दो ये, बाकी पीछे रख। तुम्हारे लिए। दानियाल की गाड़ी में क्या कर रही थी और इतनी बेतकल्लुफी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ है? गजरे देखे थे तुमने उसके हाथ? पीछा करो इनका। सुरनी, तुमने उससे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हारी बीवी तो नहीं? हाँ तो बीवी नहीं हो, लेकिन बीवी बन तो सकती है। या फिर अगर तुम्हें एतराज है तो फिर देख लेते हैं। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे तो नाज होगा तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ कर। तो फिर कब करें अपने पेरेंट्स से बात मेरी? बहुत जल्द, बस कुछ काम निपटा लूं। और उसमें कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं। देखो एनी, मैं बहुत जल्दी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें प्यार के साथ, नाज के साथ, इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाऊं। जो काम ताया जान और वली नहीं कर सके, मैं वो करना चाहता हूं। जब तक वली की चाहिए थी बिया जो है ना,
तुम्हारे निकाह में है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। उनकी फिक्र मत करो तुम, वली और बिया का इंतजाम कर दिया है, वो मेरे सामने अब कुछ नहीं बोल सकते। रहा सवाल बिया का, तो तुम नहीं जानती हो उन दोनों को कैसी सिचुएशन में फंसा है। पर एम वार्निंग, अच्छा नहीं बर्दाश्त करूंगी। अरे बाबा क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही हो, प्रॉमिस। अब खुश घर आने वाला है, अपने इन खूबसूरत हाथों की एक अच्छी सी बनी हुई कॉफी तो पिलवा दो। जरूर। बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती। तुम दोनों माँ बेटी पे तरस खा के, अगर पता होता तो उसी दिन घर से निकाल के बाहर कर देती। मेरी अकल पे तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। सब कुछ नजर आ रहा था, फिर भी मैंने तुम दोनों पे इतबार किया और तुमने उसका सिला क्या दिया मुझे, मुझे और मेरे बेटे को जलील करवा के रख दिया। अरे एहसान परामोश, तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा घर से बेघर हुआ है। अरे डायन भी साथ घर छोड़ के डसती है, जरा ख्याल ना आया तुम्हें? जरा ख्याल ना आया? अपनी मासूमियत के जाल में फंसा कर तुम अपना मतलब निकाल रही थी ना मेरे बेटे के साथ, दानियाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी उसको। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसार सवाल तावी, पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद।